जो हमारा ध्यान होता है वो बोर्ड पे नहीं होता, टीचर की तरफ नहीं होता। इसी के लिए एक कहानी है, अगर आप बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे, टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या करोगे। एक टीचर था, उसने क्या किया, जब फर्स्ट क्लास हुई उसके बैच की, तो सारे बच्चों के लिए एक एक प्लेट में गाय का गोबर मंगवाया, उसके लिए भी मंगवाया। क्या मंगवाया? गोबर। हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेरी गुड। तो क्या हुआ, हाँ एक बार सुनो भी बच्चे, सारे ध्यान सुनो। तो उसने क्या किया, सबको बोला जैसे मैं करूं वैसे आपको करना है। उसने गोबर अपने हाथ में लिया, उस प्लेट को उसमें अपनी एक उंगली डाली, सबने डाली उंगली, उसने ऐसे किया, फिर ऐसे करके मुंह में डाल ली, सबने मुंह में डाल ली। टीचर ने कहा था कहना मानना पड़ेगा ना सभी को। फिर क्या हुआ, फिर टीचर ने कहा अरे मूर्खो, मैंने तो ये उंगली गोबर में डाली और ये उंगली मुंह में ली। जब तक आप ध्यान से देखोगे नहीं हमारी तरफ की हम क्या बोल रहे हैं क्या सुन रहे, तो आप ऐसे ही गोबर खाओगे। तो जब टीचर आपको कुछ बता रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो उनकी बातें पूरे ध्यान से सुननी होती है, वरना आप कौन सी उंगली गोबर में डालोगे कौन सी मुंह में लोगे पता नहीं लगेगा। बात समझ में आई? जिससे हमें छोटी सी कहानी है, फनी कहानी है, समझ में क्या आया, जो टीचर होता है वो जो बोलता है उसकी एक एक बात उसके वे में समझना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बातों को मॉडिफाई कर लेते हैं, हम ध्यान से देखते नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है वो बोल कह रहे हैं, उनके शब्दों को ले लेते हैं, और फिर हमारा जो सीखने का तरीका नजरिया सब गलत हो जाता है। तो कहानी से क्या सीख मिली, जो टीचर बोल रहे हैं उनको हमें ध्यान से सुनना और ध्यान से सीखना है, वरना क्या खाएंगे। हाँ।